हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी अभी तक रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मोटा मोटा तो समझ लिया है कि इसमें मेन मेन इवेंट्स क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले हमें गेमीट्स बनाने पड़ेंगे तो गेमीटोजेनेसिस होगी गेमीट्स की प्रोडक्शन होगी और फिर इन गेमीट्स को हमें साथ में लाना पड़ेगा ताकि ये आपस में फ्यूजन कर पाएँ फर्टिलाइजेशन कर पाएँ तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे पास दो इवेंट हुए कौन से कौन से एक तो गेमीटोजेनिस और दूसरा गेमीट्स का ट्रांसफ़र इसके बाद एक बार जब इन्हें हम साथ में ले आते हैं इनका यूनियन हो जाता है सिन गेमी हो जाती है तो आपस में ये दो हेप्लॉयड गेमीड्स फ्यूज़ करके जाइगोट नाम का एक सिंगल डिप्लोइड सेल बना देते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में यही जाइगोट बार बार डिवाइड करके सेल का नंबर बढ़ाता है और ये सेल्स फिर डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए तो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन में गेमीटोजेनेसिस और गेमीट ट्रांसफर फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यानी गेमीट्स का यूनियन इसके बाद जो जयगोट बना उससे बनेगा एम्ब्रियो तो एम्ब्रियोजेनेसिस इसके बाद में आती है यही सारी चीज़ें कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो उसके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होंगी और यहाँ पर अगले चैप्टर में हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं यानी इन पर्टिकुलर एंजियोस्पोन्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरह से होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ये हम देखेंगे सो लेट्स बिगिन रीडिंग Are we not lucky that plants reproduce sexually? The myrides of flowers that we enjoy gazing at, the scents, the perfumes that we swoon over, rich colors that attract us, all aid in sexual reproduction. फ्लार्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली टू बी यूज़ फॉर आर ओन सेल्फिशनेस फ्लावर्स वैसे तो हमारे लिए बहुत कल्चरल वैल्यू रखते हैं मंदिर में भी हम दरगाह पे भी फूल चढ़ाते हैं शादी हो कोई भी ओकेजन हो हम फ्लावर्स यूज करते हैं चाहे खुशी का मौका हो या दुख का लेकिन असल में अगर हम बॉटनी के टर्म्स में देखें तो ये फ्लावर कुछ नहीं बल्कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जिसमें हमारे फ्लारिंग प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं

तो फ्लावर बनने के बहुत पहले से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है इनिशिएट हो चुकी है कि फ्लारिंग का टाइम आ गया है और फ्लावर्स बियर करने चाहिए प्लांट को सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोडियम तो प्रिमोडियम टर्म हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का जो एक यंग पार्ट है या हम कह सकते हैं उसकी लाइफ का जो एक यंग या प्रिमेटिव फेज है उसके लिए तो फ्लोरल प्रिमोडियम मतलब प्लांट की बॉडी में वो स्ट्रक्चर जिससे आगे जाके फ्लावर डेवलप होने वाला है तो हम देखते हैं कि शूट की मॉडिफिकेशन से ही फ्लावर बनता है शूट की जो मेरिस्टेम है वही मॉडिफाई होकर फ्लोरल मेरिस्टेम बना देती है और फ्लावर्स इसकी वजह से बेयर हो पाते हैं इन फ्लोरिस आर फोन्ड विच बेयर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स इन द फ्लार द मेल एंड फीमेल रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड रोशियम एंड गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप तो ये तो हम जानते ही हैं अगर हम बेसिक मॉर्फोलॉजी फ्लार की देखेंगे तो उसके अंदर यार चार वर्ल्स होते हैं बाहर से अंदर की तरफ हम आएँ अगर तो सबसे बाहर हमको मिलेगा कैलिक्स कैलिक्स सेप्पल्स का वर्ल है जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है बर्ड कंडीशन में फ्लार को यह प्रोटेक्ट करके रखते हैं इसके बाद कैलिक्स के अंदर की तरफ आओगे तो तुमको मिलेगा करोला ये पेटल्स का वर्ल है इसमें तुम्हें पेटल्स मिलेंगे जो कि कई बार बहुत अलग अलग शेप के और ब्राइट कलर्स के होते हैं ताकि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को फ्लार की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके ये पेटल्स ही ज्यादातर फ्लार को कॉन्स्पिक्यूअस और सुंदर बनाते हैं तो ये तो हो गए हमारे एक्सेसरी वर्ल्ड जो कि फ्लार का हिस्सा तो है लेकिन डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं है इसके बाद आ जाते हैं हमारे एसेंशियल वर्ल्ल सबसे पहले एंड्रोशियम जिसके अंदर फ्लार के मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि स्टेमन कहलाते हैं स्टेमन इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लार और इनर मोस्ट वर्ल हमारे पास गाइनोशियम कहलाता है ये हमारे फ्लार के फीमेल सेक्स ऑर्गन का वर्ल है जिनको हम कार्पल्स या पिस्टल्स बोल सकते हैं सो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ स्टेम रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो इन दोनों ही ऑर्गन्स के अंदर कैसे कैसे गेमीटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है क्या क्या होता है और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है चलो एक एक करके देखता है सबसे पहले स्टेमन माइक्रोस्पोरानजियम और पोलन ग्रेन की बात करेंगे ये तो आपको पता ही होगा कि पोलन ग्रेन सेक्शुअल प्रोडक्शन में इन्वाल्व होती है लेकिन असल में ये बंथी कैसे है बंथी कहाँ है और इसका असल में क्या रोल है पूरे प्रोसेस में ये इस चैप्टर में हमको पता लग जाएगा यहाँ पर हमें टिपिकल स्टेमन के दो पार्ट्स बताए गए हैं एक तो लंबा सा सिलेंडर स्टॉक होता है यानी फिलामेंट तो मेन काम यहाँ पर नहीं हो रहा है फिलामेंट जो है खाली एक लंबी सी डंडी है जो कि फ्लावर के साथ एंथर को जोड़ रही है जो टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ वाला जो पार्ट है वो एंथर कहलाता है द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द पेटल ऑफ द फ्लार तो फिलामेंट तो हमारा बाकी के फ्लार के साथ खाली एंथर को जोड़ रहा है और एंथर के अंदर हो रहा है सच में असली वाला काम जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेम आर वेरिएबल इन फ्लार्स ऑफ डिफरेंट स्पीशिज तो अब ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि एक फ्लार के अंदर इतने ही स्टेमन stamen होंगे स्टेटन्स की लेंथ भी वेरी कर सकती है नंबर भी वेरी कर सकता है और किस तरह से किस पैटर्न में वो प्रेजेंट है क्या आप फ्लार के किसी दूसरे पार्ट के साथ जुड़े हुए हैं क्या आपस में जुड़े हुए हैं अगर जुड़े हुए हैं तो कितने बंडल्स बना रहे हैं जब आप फ्लार की मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें काफ़ी वेरिएशन है तो हम एक जनरल बात करते हैं इफ वी कलेक्ट अ स्टेमन फ्रॉम टेन फ्लार्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज एंड वी अरेज दैम ऑन अ स्लाइड वी विल सी अर्ज वेरिएशन

लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ एंथर तो अगर एंथर को आप काट के देखोगे तो आपको उसका बाइलोब शेप और डायथिकस शेप साफ साफ नजर आएगा द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंट ट्रांसफर्स सेक्शन में द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर टेट्रागोनल मतलब इसमें चार कोने होते हैं इट इज फोर साइडेड क्योंकि दो लोब है और दोनों लोब में एक एक थीका है तो इस तरह से चार कोने उसमें बने हुए हैं और चारों कोनों में हमको मिलेगा एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम The anther is a four sided structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe. तो हमारे पास बाइलोब्ड होता है एंथर और हर एक लोब में हमको दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे यानी टेट्रागोनल है चार कोनों वाला ये स्ट्रक्चर है एंथर और चारों कोनों में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम बैठा हुआ है द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक तो यही माइक्रोस्पोरेंजियम जो है आगे जाके डेवलप होके पोलन सैक बन जाता है दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडी ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड दे आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे पास एंथर के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थे चारों कोनों में आगे जाके यही पोलन सैक बनेंगे और इन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन्स भरी रहेंगी लेकिन जो पोलन ग्रेन्स भरी हुई हैं वो बनी कैसे सबसे पहले तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख लो हमारे एंथर के ट्रांसफर्स सेक्शन में टी में हमें माइक्रोस्पोरेंजियम करीब करीब सर्कुलर नजर आता है शेप में इट इज सराउंडेड बाई फोर वॉल लेयर्स एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडल लेयर्स और टेपिटम तो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करने वाली चार वॉल लेयर्स होती है क्योंकि भाई माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है काम चल रहा है पोलन ग्रेन्स बनाने का पोलन ग्रेन्स नहीं बनी तो सेक्शुअल रिपोडक्शन नहीं हो पाएगी इसीलिए उसको वेल well प्रोटेक्टेड रखना जरूरी है तो चार वॉल्स उसको सराउंड करी रहती हैं द आउटर थ्री वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन तो जो आउटर थ्री लेयर्स है हमारी कौन सी कौन सी एपिडर्मिस एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स इनका काम प्रोटेक्शन का होता है और दूसरा काम है डेहिसेंस का क्योंकि सोचो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बन गई पोलन ग्रेन्स पूरी डेवलप भी हो गई लेकिन ये एंथर पैक का पैक बैठा है पूरा बंद बैठा है तो अगर पोलन ग्रेन्स बाहर ही नहीं जा पाएंगी स्टिग्मा तक पहुँच ही नहीं पाएंगी तो पोलन ग्रेन्स के बनने का कोई फायदा ही नहीं है इसीलिए हमारे एंथर को डेहिस होना जरूरी है डेहिस होना मतलब

इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का होता है तो इसमें से सवाल आ जाता है ये बात हमको ध्यान रखनी है सिंपल सी बात है माइक्रोस्पोरेंजियम में चार वॉल लेयर्स जिसमें आउटर एपिडर्मिस एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स प्रोटेक्टिव है और इनर टेपिटम जो है ये नरिशमेंट का काम करती है वेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम तो जब एंथर में अभी पूरी पोलनग्रेन नहीं बनी है तो उस समय पर हमारे माइक्रोस्पोर एंजियम के बीच में सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है माइक्रोस्पोर कैसे बनता है देखते हैं एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू अंडर गो मियोटिक डिविजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राट्स तो समझे हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के जो स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल थे इनमें हो रही है मियोसिस यानी हो रही है रिडक्शन डिवीजन क्योंकि प्लांट बॉडी के सभी सेल तो डिप्लॉयड है और हमको जो गेमीट बनाना है हमको जो माइक्रोस्पोर बनाना है वो यार होना चाहिए हेप्लॉयड इसीलिए स्पोरोजीनस टिश्यू के कुछ सेल जो कि पोलन मदर सेल कहलाते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाते हैं ये तैयार हो जाते हैं रिडक्शन डिविजन के लिए मियोसिस के लिए और इन डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होने पर हमको मिलते हैं माइक्रोस्पोर के टेट्राड टेट्राड मतलब चार चार के ग्रुप चार चार के क्लस्टर में ये

ल ऑफ दस टिश्यपेबल ऑफ गिविंग राइस टू माइक्रोस्पोर टेट्राइड इच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेलू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेसिस तो इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं कि पोलन मदर सेल या जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें हुई मियोसिस और ये हमारे माइक्रोस्पोर्स के चार चार के ग्रुप बन गए द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेज द क्लस्टर ऑफ फोर सेल्स नोन एज द माइक्रोस्पोर टेट्राइड As the the anthers mature and and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. तो क्या होता है भाई ये जो हमारे टेट्राड बने हुए हैं चार चार के ग्रुप बने हुए हैं जब हमारा एंथर थोड़ा मेच्योर होता है डेवलप होता है तो ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद यही माइक्रोस्पोर, टेट्राड के जो माइक्रोस्पोर एक दूसरे सेपरेट हो गए डिसोसिएट हो गए यही पोलन ग्रेन कहलाते हैं हर एक माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर बहुत से हजारों माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो होकर फिर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर देते हैं एंड दीज आर रिलीज विद द डेहस्टेंस ऑफ द एंथर जब पोलन ग्रेन पूरी डेवलप हो जाती है तो एंथर खुल जाता है और इनको रिलीज कर देता है अब ये पोलन ग्रेन जो बनी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद ये असल में हमारे फ्लॉरिंग प्लांट का मेल गेमीटोफाइट है द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गेमीटोफाइट

तो ये पोलन ग्रेन मेल गेमीटोफाइट कहलाती है और मेल गेमीटोफाइट हम इसको कह रहे हैं इसीलिए क्योंकि इसी के अंदर से मेल गेमीट निकलने वाला है हर एक प्लांट की लाइफ साइकिल में गेमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज होता है अब जब तक डिप्लॉयड कंडीशन चल रही है तब तक तो स्पोरोफिटिक फेज है लेकिन जैसे ही मियोसिस से हेप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया हमारे हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बन गए तो ये गेमीटोफिटिक फेज कहलाएगा और इसी में से गेमीट की फॉर्मेशन होने वाली है अगर हम पोलन ग्रेन्स के एक टिपिकल स्ट्रक्चर की बात करें दे आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट ट्वेंटी

इट कैन हाई केन्ग एसिड एंड एल्कली कितना भी स्ट्रॉग एसिड डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेस हाई टेम्परेचर किसी से भी इसे एक्सपोज कर दो स्पोरोपोलिन का कुछ नहीं बिगड़ता है नो एन्जाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन ऐसा कोई एंजाइम भी नहीं है जो इसका ब्रेकडाउन कर पाए सो पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स क्योंकि अब हमारी पोलन ग्रेन क्या है मेल गेमीटो है इसके अंदर से निकलना है मेल गेमीट को लेकिन अगर चारों तरफ से इतने खतरनाक इतने रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल से ये कवर हो जाएगी बिल्कुल कंटिन्यूअस लेयर बन जाएगी तो उसमें से मेल गमीट कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा इसीलिए हमारा जो एग्जाइन है ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है किसी किसी जगह पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है और इसी छेद को इसी अपर्चर को हम जर्म पोर का नाम देते हैं पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्वड फॉसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनन इसी वजह से बहुत पुरानी पुरानी पोलन ग्रेन्स भी फॉसिल्स में हमको मिल जाती हैं क्योंकि स्पोरोपोलिनन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने देता द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन क्या बोला था हमने कि दो लेयरों की पोलन ग्रेन की वॉल में एक तो स्पोरोपोलिन से बना हुआ एग्जाइन और दूसरा होता है इनटाइन नाम की वॉल जो कि एक थिन और कंटिन्यूस लेयर है सेलुलोस और पैक्टिन की बनी हुई है तो हमारा जो एग्जाइन था ये बहुत ही टफ था लेकिन डिसकंटिन्यूस था लेकिन इन टाइम एक पतला सा कंटिन्यूस लेयर है सेल्यूलोस और पेक्टिन का बना हुआ द साइटो प्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन पोलन ग्रेन इज मेच्योर तो इसमें दो सेल्स हमको मिलते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल साइज में काफ़ी बड़ा होता है इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होते हैं और लार्ज इरेग्युलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल कंपेरेटिवली वेजिटेटिव सेल से काफी छोटा होता है साइज में और ऐसा लग रहा है कि वो उसके साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है कंपेरेटिवली उसका साइज इतना छोटा है सो द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाजम एंड न्यूक्लियस इनोवा सिक्सटी परसेंट ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल्स स्टेज तो आधे से ज्यादा हमारे स्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स जब शेड होती हैं तो इसी टू सेल स्टेज में होती हैं एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल उनके पास में होता है इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल राइजीट बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड तो इससे थ्री सेल स्टेज बन जाती है कहने का मतलब क्या कि वैसे तो हमारी पोलन ग्रेन में दो सेल होते हैं बड़े से साइज का रिजर्व फूड मटेरियल वाला वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल जिससे आगे जाके मेल गेमीट बनेंगे एक हमारे पास हेप्लॉयड जनरेटिव सेल है ये अगर माइटोटिक डिविजन करेगा तो एज अ रिजल्ट हमको दो हैप्लॉयड गेमीट्स मिल जाएंगे लेकिन ज़्यादातर एनजीओसपर्म्स में आधे से ज़्यादा एनजीओसपर्म्स हैं 60 परसेंट एनजीओसपर्म्स में जब पोलन ग्रेन रिलीज होती है शेड होती है तो उस समय में सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं और जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके मेल गेमीट्स नहीं बनाया है लेकिन जब जनरेटिव सेल माइटोसिस करके दो मेल गेमिट्स प्रोड्यूस कर देता है तब हमारी पोलन ग्रेन की थ्री सेल स्टेज आ जाती है तो ये तो हो गया हमारी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दो वॉल लेयर्स एक्साइन और इंटाइन से सराउंडेड और इसके अंदर फर्दर दो सेल बड़ा सा वेजिटेटिव सेल और छोटे से साइज का जनरेटिव सेल नॉ पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सिवियर एलर्जीज इंड ब्रॉन्क्यल अफ्लिक्शन इन पीपल लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजॉर्जर्स लाइक एस्थेमा एंड ब्रोंकाइटिस तो अगर हम पोलन ग्रेन को इन्हेल करते हैं वैसे तो पोलन ग्रेन्स पूरे हमारे सराउंडिंग्स में घूमती रहती हैं क्योंकि उनको पहुंचना है स्टिग्मा तक मेल गेमीट को पहुंचना है फीमेल गेमीट तक लेकिन अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो कभी कभी ये प्रॉब्लम कॉज कर देती हैं जैसे कि एस्थमा ब्रोंकाइटिस वगैरह इट मे बी मैंशनड दैट पारथीनियम और कैरेट ग्रास दैट केम टू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट गलती से गेहूं के साथ जब गेहूं इम्पोर्ट हो रहा था तो पारथीनियम नाम का कैरेट ग्रास का नाम का एक प्लांट हमारे कंट्री में आ गया अब ये यूबिकटस हो गया चारों तरफ फैल गया और पोलन एनर्जी एलर्जी कॉज होती है इसकी पोलन ग्रेन्स के कारण पोलन ग्रीन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इट हैज बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स इज फूड सप्लीमेंट्स इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स अवेलेबल इन द मार्केट पोल कंजम्प्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स तो कई लोगों का मानना है कि पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम करने से काफी फायदा होता है तो टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में इनको कंज्यूम किया जाता है इसके बाद स द पोलन ग्रेन आर शेड हमने देखा पोलन ग्रेन कैसे बनी हमने देखा यह कैसी होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है लेकिन एक बार यह शेड हो जाए तो पोलन ग्रेन टू लैंड ऑन द स्टिमा बिफोर इट लूजेज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन है तो सही समय पर समय रहते मेल गेमीट को फीमेल गेमीट के पास पहुंचाना होगा और इसके लिए पोलन ग्रेन को जाकर लैंड करना पड़ेगा जाके बैठना पड़ेगा स्टिग्मा के ऊपर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी अब वायबिलिटी का मतलब है कि पोलन ग्रेन कब तक जीवित रहती है यानी कब तक एक्टिव रहती है कि ये अगर स्टिग्मा के पास पहुंच जाए तो जर्मिनेट हो पाए सो द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिए सम एक् 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 एक्सटेंड डिपेंड्स ऑन द प्रवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सराउंडिंग कंडीशन पर भी डिपेंड करता है और कौन सी स्पीशीज की पोलन ग्रेन है कौन से प्लांट की पोलन ग्रेन है इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने समय तक ये वाइबल रहती है एक्टिव रहती है इन सम सीरियल्स राइस वीट पोलन ग्रेन आधे घंटे के अंदर वायबिलिटी लूज कर देती है दे लूज वायबिलिटी विद इन थर्टी मिनट्स ऑफ देर रिलीज एंड इन सम मेंस ऑफ फैमिलीज लाइक रोजेसी लेगुमिन एसी एंड सोलन एसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथस कई मंथस तक वायबल रहती है यू हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन एंड ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग जिस तरह से हम एनिमल्स के मेल गेम को स्टोर करके रख सकते हैं, सीमन को स्टोर कर सकते हैं उसी तरह से पोलन ग्रेन्स को भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही लो टेम्परेचर पे माइनस वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में अगर प्रिजर्व करते हैं तो इन पोलन ग्रेन्स को वायेबल रखा जा सकता है लंबे समय तक सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स तो यहां पर जो भी हमारे फ्लार के मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर हो रहा था हमारे स्टेमन के अंदर हो रहा था वो सब हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हुई माइक्रोस्पोरेंजियम थे हमारे एंथर के अंदर फिर उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन गई पोलन ग्रेन्स रिलीज, रिलीज हो गई लेकिन अब रिलीज होकर इनको पहुंचना है फीमेल गेमीट के पास और ये फीमेल गेमीट बनता है हमारे फ्लार के फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर यानी पिस्टल के अंदर तो चलो आज हमने स्टेमन में क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए ये कवर कर लिया अगली बार बात करेंगे पिस्टल के बारे में और किस तरह से हमारा फीमेल गेमीटोफाइट बनता है इस बारे में क्योंकि पोलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है ये तो हमने देखा इसके फीमेल काउंटर पार्ट के बारे बारे में बात करते हैं अगले बार